क्लास 9 फिजिक्स फर्स्ट यूनिट है मोशन। तो हम बताते हैं पहले आपको कि व्हाट इज मोशन। इनिशियली बताया जाता है कि मोशन क्या होता है। अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर ले, उसको बोलते हैं कि बॉडी किस में है, मोशन में है। तो क्या होता है, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी किसमें बोलते हैं हम लोग कि बॉडी किसमें है, मोशन में है। उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उसको बोलते हैं कि बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी ए है, ये बी के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी ए और बी दोनों किसमें हैं, रेस्ट कंडीशन के अंदर हैं। तो व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ओके, तो इधर डेफिनेशन था कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। फिर एक वर्ड लिखा जाता है यहाँ पे कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स। इसका मीनिंग क्या है, देखिए एक साथ क्या बॉडी दोनों कंडीशन में हो सकती है, ये हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पैसेंजर है जो बस में बैठा हुआ है, तो बस में जो बैठे हुए पैसेंजर उसके लिए किस में है, रेस्ट कंडीशन में है, जबकि बस चल रही है। एक पैसेंजर बैठा हुआ है बस में, उस पैसेंजर के अकॉर्डिंग बस में जितने भी पैसेंजर हैं वो किस में, सारे रेस्ट में है। लेकिन जो लोग बाहर से देख रहे हैं बस को, उसी टाइम के दौरान कंप्लीट जितने भी बस थी और जितने भी पैसेंजर थे, सारे किस में हो जाते हैं, मोशन के अंदर। यानी सेम टाइम में एक बॉडी दोनों कंडीशन में हो सकती है विद डिफरेंट रेफरेंस ऑफ फ्रेम, विद डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अंदर के पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और बाहर के अकॉर्डिंग बॉडी किस में है, मोशन में है। तो बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स, किस में होते हैं, रिलेटिव्स। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं कि वेक्टर्स कौन से हैं, वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। नेक्स्ट बनता है वेक्टर क्या है और स्केलर्स क्या हैं। वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। जिस तरह से कोई भी हम लिख सकते हैं कि हमें चलना है इस डायरेक्शन के अंदर, तो बोल सकते हैं वो क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिखो इसको एक बार, लिखिए इसको, वेक्टर को लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज ए डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, अभी कराएंगे आपको, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत से एग्जाम्पल है जो दिखाते हैं कि इनके पास वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। स्केलर्स क्या होते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शंस नहीं होती। लिख लीजिए द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसके। एग्जाम्पल है डिस्टेंस, डिस्टेंस है स्पीड, स्पीड टाइम, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ क्या हैं, स्केलर हैं। अगर हम बोल दूं कि आज का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, किस डायरेक्शन में, इसका मेरा कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता। टाइम कितना हुआ, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखता है। ऐसे ही स्पीड है, इस तरह क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखिए, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। हम कितना चले हैं एक्चुअल में, वो क्या हमारा डिस्टेंस। ठीक है, देखिए डिस्टेंस जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, इसको पहले देखते हैं इसका यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस को मापते हैं मीटर के अंदर, इसको एम से लिखते हैं, मीटर।
और ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस नेवर बी जीरो और नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होती है ये पॉजिटिव होती है। हम कितना चले हैं ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये था आपका डिस्टेंस के बारे में। अब आप करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी को बोलते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी, इसको क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, यूनिट क्या होती है इसकी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसकी भी क्या होंगे यूनिट, मीटर्स होंगे, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा ही में समापते हैं इसको मीटर के अंदर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, इट इज ए वेक्टर। वेक्टर क्यों है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर डायरेक्शंस मिलेगी कि इस रास्ते से जाओगे तो छोटा पड़ेगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ले सकते हैं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। इसको प्रूव करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। अभी देखिए एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट, मान लेते हैं एक बोट ने चलना यहाँ से शुरू किया, फिर ऐसे गई विद 4 मीटर, फिर ऐसे घूम गई विद 3 मीटर। ठीक है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए और बी। क्वेश्चन तो पहले ये बनता है, इसका डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले चले 4, फिर चले 3, 4 + 3 = 7 मीटर। हमें चेक करना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखिए हम चेक करते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी ये हो सकती है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए बी, जो डिस्प्लेसमेंट हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ से, इज इक्वल टू, लिख सकते हैं अंडर द रूट बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 4 का स्क्वेयर + 3 का स्क्वेयर। ये कितना हुआ, ए बी इज इक्वल टू 16 + 9, इट इज अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर। जो 5 मीटर ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, मान लेते हैं हमने चलना शुरू किया ये इस पॉइंट से, फिर ऐसे गए ऐसे ऑन द स्क्वेयर फील्ड बोल सकते हैं, जिसका साइज कितना है 5 मीटर, और हमने कंप्लीट एक साइकिल पूरा किया, एक रोटेशन पूरा किया, वापस हम कहाँ पे आ गए, ए पॉइंट पे आ गए। तो हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से, हमने हर साइड में 5 मीटर चले हम लोग, तो टोटल कितना हुआ 20 मीटर्स, 5 + 5 + 5 + 5, 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, इनके बीच का कम से कम दूरी कितना है, जीरो, कुछ नहीं है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं इनके बीच का, तो इट इज जीरो। तो एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। नेक्स्ट भी, कोई बॉडी है जो घूम रही है इन्हें सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर ले लेते हैं, ये पॉइंट हो है सेंटर पॉइंट, उन्होंने चलना शुरू किया ए पॉइंट से, और एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लिया, मान लेते हैं कंप्लीट रोटेशन, तो इसका डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए अभी, तो डिस्टेंस कितना होगा, कितना चले हैं एक्चुअल में, ये पूरा चले हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, तो कितना आएगा ये वैल्यू, इट इज 2 पाई आर, ये हुआ डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जहां से चलना शुरू किया है उसी पॉइंट पे हम क्या हो गए, वापस आ गए, तो क्या हुआ आंसर, 0 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0 मीटर। इसी का एग्जांपल कर लेते हैं कि बॉडी चल रही है और वो 2.5 रोटेशन को पूरा करती है, 2.5 रोटेशन। अगर ये बॉडी चल के 2.5 रोटेशन पूरा करती है तो बॉडी की पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल मान लेते हैं। उसने एक चक्कर पूरा किया ऐसे कंप्लीट, तो एपीआई, फिर एक और किया, 2.5 कहाँ पे होगा, हाफ यहाँ पे होगा, इट इज़ बी पॉइंट। ये इसका क्या है, इट इज ए फाइनल पॉइंट। उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा इसका, कंप्लीट एक रोटेशन पूरा करने में कितना चली है, 2πr, फिर एक और पूरा किया 2πr, फिर इन हाफ पूरा किया तो πr, 2πr डिवाइड बाई 2 कर दे तो πr, तो कितना आंसर हुआ डिस्टेंस का, 5πr। ये हो गया इसका डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालें, चेक करते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का कम से कम दूरी, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट इसका बी है, तो इसके बीच का कम से कम दूरी तो ये हो सकता है, इट इज आर प्लस ए आर, तो कितना हुआ, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाई द बॉडी इन 2.5 रोटेशन ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ओके, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड, व्हाट इज स्पीड। लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या बनता है, फिर बनती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितने टाइम में, ये क्या बोलते हैं इसको, स्पीड। ठीक है, यूनिट क्या होती है स्पीड की, यूनिट ऑफ स्पीड डिस्टेंस का कितना होता है मीटर, टाइम का कितना होता है सेकंड, तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर सेकंड। ठीक है, जो स्पीड होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर। जो आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो सर आपको वैल्यू देगा न कि डायरेक्शन, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इसी में है भाई, क्या स्पीड जीरो हो सकती है, अगर रेस्ट पे तो स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर बॉडी मोशन में है तो स्पीड नेवर भी जीरो और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकते। ये था आपका सिंपल व्हाट इज स्पीड। इसी में लिखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड किस स्पीड को बोलते हैं, कि बॉडी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो स्पीड क्या होती है उसकी, यूनिफॉर्म। जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉडी चल रही है ऐसे मान लेते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है जीरो या ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, अभी ऊपर मैंने लिखा है डिस्टेंस को, नीचे लिखा मैंने टाइम को। अगर इसने ए पे चला है ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, यहाँ पे 2 सेकंड में पूरा किया इसने, ये 4 सेकंड में पूरा किया, ये 6 सेकंड में पूरा किया, तो जो इनका गैप है ये कितना है, यहाँ पे 5 मीटर ट्रेवल किया है 2 सेकंड में, ये वाला 5 मीटर अगेन ट्रेवल किया है 2 सेकंड में, और ये वाला 5 मीटर ट्रेवल किया है अगेन 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। तो बोल सकते हैं जो स्पीड है इस बॉडी की फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, एनी वन, इट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं, जहां पे बॉडी का स्पीड हर पॉइंट पे क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी में लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या दोनों ही अनइक्वल हो जाएं, तो बॉडी किसमें आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लिखो एक बार, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद स्पीड में ही आता है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना यूज हुआ, इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एक तो ये फार्मूला बनता है अभी इसका, ये कब लगाओगे आप लोग फार्मूला क्वेश्चंस में? जब आपको डिस्टेंस भी गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है। अगर आपको ये ना दे के वैल्यू दे रखा हो स्पीड का, तो मान लेते हैं लेट वी वन एंड वी टू, ये क्या है? स्पीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? वी वन वी टू क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन किया गया है अगर बॉडी चल रही है इन स्पीड से तो उनका एवरेज स्पीड कितना होगा, उसका फार्मूला बनेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये होगा टू वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू, ठीक है? एक तो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो टोटल डिस्टेंस कितना है, ये से निकाल सकते हो, एक दे रखा हो टोटल टाइम कितना है तब निकाल सकते हो। ये ना दे के आपको वैल्यू दे रखा हो वी वन वी टू का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टू वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। ये आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजिली इसे प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करेंगे अभी। इसे एग्जाम्पल करते हैं, मान लेते एक बॉडी चल रही है, बॉडी ए विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, तो इनका एवरेज स्पीड निकालिए। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे आएगा? 2 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइड बाई 50 प्लस 60, ओके, ये 100 हो गया, दैट इज 6000 बाई 1110। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड। कर लोगे, इट इज द एवरेज स्पीड बाय यूजिंग टू स्पीड ऑफ द बॉडी। भी लेते हैं बॉडी चल रही है विद डिफरेंट स्पीड, यहाँ चलना शुरू किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे स्पीड है इसका वी वन, यहाँ पे स्पीड है वी टू, डिस्टेंस इसका भी एस मान लेते हैं और यहाँ पे भी एस मान लेते हैं, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? एस। और ये भी कितना मान लेते हैं? एस ही मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है? यहाँ पे टाइम को मैं टी वन ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइम को टी टू ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी वन है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? टी टू। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से एस, यहाँ से एस, तो इट इज टू एस, टाइम कितना हुआ? टी वन प्लस टी टू, ठीक है? टी वन प्लस टी टू। स्पीड इंडिविजुअल फार्मूले के अकॉर्डिंग वी वन कितना होता है अभी? डिस्टेंस बाय टाइम कितना? एस बाय टाइम कितना है? टी वन। तो ऐसे मैं टी वन निकाल सकता हूँ इस फार्मूले से, कितना आएगा? एस बाय वी वन। उसी तरीके से वी टू कितना आएगा? एस बाय टी टू, यानी टी टू निकाले तो कितना आएगा आपका? एस बाई वी टू। तो आपको टी वन और टी टू की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड कितना आएगा? टू एस डिवाइड बाई टी वन कितना है? एस बाई वी वन प्लस टी टू एस बाई वी टू।
यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं एस को भी, टू एस डिवाइड बाई एस कॉमन निकला, वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, एस से एस काट देते हैं। नीचे एलसीएम कितना हुआ देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे हुआ एलसीएम, ऊपर बचा टू, नीचे बचा एलसीएम के अंदर वी वन वी टू, यहाँ पे बचा वी टू प्लस वी वन आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टू वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू, दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ये था आपका स्पीड क्या होता है।